अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज हम बात करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, इसके कुछ मेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ डी मेरिट्स के बारे में। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है? जो पावर्स का डिवीजन होता है सेंटर के दरमियान और प्रोविंसेस के दरमियान, इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को, जो डिवीजन का सिस्टम है, इसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। अगर यूनिटरी सिस्टम होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, तो कोई पावर डिवाइड नहीं होगी। जबकि फेडरल सिस्टम में यह था कि प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान पावर्स डिवाइड हुई थी इक्वल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सेंटर के पास पूरी पावर होगी। अगर आपने फेडरल सिस्टम वाला लेक्चर नहीं सुना तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके पहले आप वो सुन सकते हैं। तो चलें अब हम बात करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें तमाम जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास होती हैं और प्रोविंसेस अपनी पावर को सेंटर से अहज करते हैं। मतलब कि फेडरल सिस्टम में क्या होता था कि सेंटर और प्रोविंसेस के पास सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट पावर आती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर के पास कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट पावर आती है, लेकिन जो प्रोविंसेस हैं वो सेंटर से पावर अहज करते हैं। तो इसका ये डिफरेंस है। अगर हम बात करें किन स्टेट्स में यूनिटरी सिस्टम है, तो इसमें ब्रिटेन आ जाता है, बर्तानिया, फ्रांस आ जाता है, इटली आ जाता है, स्पेन और न्यूजीलैंड भी आता है। ये कुछ मिसालें थी, और भी कई कंट्रीज में यूनिटरी सिस्टम है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मेरिट्स के बारे में। नंबर वन पे जो आता है वो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट किस तरह से होती है? क्योंकि पावर्स डिवाइड नहीं होती, तमाम पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही मजबूत होता है। इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंगल गवर्नमेंट। क्योंकि पावर्स डिवाइड नहीं होती, तमाम जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, तो एक ही गवर्नमेंट होती है पूरी स्टेट में, तो जिसे हम कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। ये भी यूनिटरी सिस्टम का एक मेरिट है, फायदा है। उसके बाद हम बात करते हैं लो बजट एंड सिंपल। इसका बजट लो कैसे है और ये सिंपल कैसे है? सिंपल ये इस तरह से है कि यूनिटी सिस्टम में कोई पावर डिवाइड नहीं होती, सीधा सीधा निज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, इस तरह से ये सिंपल है। और लो बजट किस तरह से है कि इसमें मजीद डिवीजन नहीं होती, जितनी ज़्यादा डिवीजन होगी उतनी ज़्यादा बजट हाई होगा, एक्सपेंसिस ज़्यादा होंगे, इस तरह से ये लो बजट भी है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैक्सीबल। ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। फेडरेशन में क्या था कि ज़रा भी फ्लेक्सिबल नहीं था, रिजिड था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला ना जा सके, लेकिन इसमें यह है इन्वायरमेंट के साथ साथ यूनिटरी सिस्टम खुद को चेंज करता है। मतलब कई दफ़ा लोकल जो प्रोविंसेस हैं, लोकल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंसेस, स्टेट्स वगैरह, उनको कभी पावर देता है, कभी ले भी सकता है, तो इस तरह से ये फ्लेक्सिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं सूटेबल इन स्मॉल स्टेट्स। ये स्मॉल जो स्टेट्स होती हैं, जिनका जियोग्राफिकली टेरिटरी बहुत स्मॉल होती है, छोटी होती है, ये उनमें फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर टेरिटरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो फेडरल सिस्टम ही बेस्ट होता है। इस तरह से इसका ये भी फ़ायदा है स्मॉल स्टेट्स के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वर्क। क्योंकि जैसे हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही हर मसले को हल करती है, तो अगर मुल्क में कोई भी इश्यूज क्रिएट होते हैं तो हमें सिंपल से पता चल जाएगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही किया है। जबकि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, वुजरा होते हैं, MNA, MPs, तो वहाँ पर डिटरमिन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ये बहुत ही आसान हो जाता है। इसका आखिरी जो मेरिट है वो ये है यूजफुल इन एमरजेंसीज। अगर मुल्क में कोई भी एमरजेंसी पड़ती है तो यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्विकली फैसला हो जाता है, नेसेसरी फैसले जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। इस तरह से ये भी बहुत बड़ा फायदा है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डी मेरिट्स की, कुछ डिसएडवांटेजेस की, जिसमें नंबर वन पे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल। सेंटर के पावरफुल होने से हमें क्या नुकसान होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जैसे डिक्टेटरशिप में होता है कि लोग किंग के आगे अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, वैसे ही यूनिटरी सिस्टम में भी यही होता है कि सेंटर के सामने हम अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, तो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इग्नोर्स लोकल नीड्स। जो प्रोविंसेस की या स्टेट्स की नीड्स होती हैं ये उनको इग्नोर करता है, मतलब कि उनको रफा दफा कर देता है किसी तरीके से। लेकिन अगर वहीं पे फेडरेटिंग सिस्टम हो या फेडरल सिस्टम हो तो वो इसको बड़ी बारीकी से देखता है और फुलफिल करता है, तो ये इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है। उसके बाद हम बात करते हैं अनसूटेबल फॉर बिग स्टेट्स।
अगर स्टेट्स छोटी होंगी तो यूनिटरी सिस्टम बिल्कुल ठीक से वर्क करेगा, लेकिन अगर वहीं पे स्टेट थोड़ी सी बड़ी आ जाती है तो यूनिटरी सिस्टम पूरे सिस्टम को हैंडल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फेडरेटिंग यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान पावर डिवाइड हो जाती है और जो प्रोविंसेस के मामलात होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट हैंडल करती है और जो दूसरे सेंटर के मामलात होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। अब हम बात करते हैं इसके अगले डीमेरिट के बारे में, जो कि है लेस चांस फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसे सॉरी पॉलिटिकल लिख लें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है कि जो सेंटर होता है उसका प्रोविंसेस के जो लोग होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन बहुत कम होता है, इस वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं पार्टिसिपेशन करने की पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से यह भी इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है। उसके बाद हम बात करते हैं लेस लोकल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का जैसे कि आप मतलब जानते हैं इंडिपेंडेंट होता है, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं होती और अगर स्टेट्स को कोई भी फैसला लेना होता है तो उसे सेंटर से मशवरा करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑटोनॉमी की इसमें कमी होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो ये थे इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।